Hi everyone, I'm Tara. Welcome back to my channel, A Star's Travels. Today, I am at the iconic Qutub Minar to know more about why this beautiful structure is shrouded in controversy. Stay tuned to know more. Google में आपने पढ़ा होगा कि सन 1193 में जब कुतुब उद्दीन ऐबक ने दिल्ली के आखिरी हिंदू राज्य पे जीत पाई तब उन्होंने ये 73 मीटर लंबी एक विक्ट्री टावर बनाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार सबसे पहले एक सन डायल यानी धूप घड़ी हुआ करती थी जो उस जमाने में वक्त और मौसम का पता लगाने के लिए बनाई गई थी। कुतुब मीनार मेहरौली में लोकेटेड है। मेहरौली शब्द एक संस्कृत शब्द है यानी मेहीरा अवाली। ये वही बस्ती है जहां उस वक्त के सबसे जाने माने एस्ट्रोनॉमर विराहा मेहीरा जो विक्रम आदित्य के दरबार में काम करते थे वे अपने हेल्पर्स मैथमेटिशियंस और टेक्नीशियंस के साथ इसी बस्ती में रहते थे तो मेहरौली शब्द मेहीरा मेहीरा के नाम से संबंधित है। सन 1193 में जब कुतुब उद्दीन ऐबक को जीत मिली तब उन्होंने इस टावर के पास एक मस्जिद बनाना चाहा। इसलिए आसपास के 27 मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री लेकर एक मस्जिद बनाई गई थी जो आज भी दिखाई दे पड़ती है। आज भी गणेश हनुमान और कई तरह के हिंदू डिजाइन्स जैसे फूल गॉडेसेस बेल्स लैंप्स और अनेक फॉर्म्स इन दीवारों पर दिखाई दे पड़ती है। ये वही मस्जिद है जो कुतुब मीनार के आखिरी में बनाई गई थी। ये भारत का सबसे पहला मॉस्क है। इसका नाम कुवत उल इस्लाम मॉस्क है। इस मीनार पे कुरान के वर्सेस भी इंस्क्राइब्ड है। पहले के तीन मंजिल रेड सैंडस्टोन यानी लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी और चौथी और पांचवी मंजिल मार्बल और सैंडस्टोन से बनाई गई है। इन दीवारों पे गॉडेसेस और दूसरे हिंदू डिजाइन्स भी दिखाई दे पड़ती है।